कक्षा 12 जैसे आप देखें हमारे इंग्लिश और स्टोरी नंबर 8 जो करा रहे हैं दी गोल्ड वॉच उसके क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात चल रही थी पहले भी, तो इसमें आज समझेंगे ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाई डिड शंकु स्टील दी वॉच, शंकु ने घड़ी क्यों चुराई, क्यों चुराने का मन बनाया। शंकु अर्जेंट नीड्स एंड प्रेशर ऑफ दी पीपल टू पे ऑफ दी लोन मेड हिम डिसाइड दैट ही हैड नो अदर चॉइस बट टू स्टील दी वॉच। मतलब शंकु की जो आवश्यकताएं थी और जो दबाव था उसके कर्जदारों का लोन चुकाने का कर्ज चुकाने का, इस बात से उसने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि उसके पास कोई और अन्य विकल्प नहीं है घड़ी चुराने के अलावा। घड़ी चुराने के अलावा उसके पास अपनी समस्या का समाधान का कोई भी विकल्प नहीं है, इसलिए उसने किस प्रेशर को उसके जो कर्जदार थे उनका प्रेशर होता कि कर्ज चुकाने के लिए और जो उसकी जरूरतें थी घर की वो पूर्ति करने के लिए उसने ये सामान बनाया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थॉट्स ट्रेवल्ड शंकु आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट। मतलब शंकु के मन में ऐसे क्या विचार आए चोरी करने के बाद जो उसे ज्यादा परेशान करने लगे। आंसर देखेंगे आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट, चोरी करने के बाद शंकु फियर, शंकु हैपी हो गया दैट समवन हैड सीन हिम स्टीलिंग द वॉच, कि घड़ी चुराते हुए उसको किसी ने देख लिया है। He would have informed the watchman at the gate, और वो दरवाजे पर वॉचमैन को सूचित कर देगा मेरे बारे में किसने घड़ी चुराई है। He would be caught, वह पकड़ा जाएगा। He would be dismissed from his job, उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। These thoughts, इस प्रकार के विचार प्रबल शंकु मोस्ट शंकु को बहुत अधिक परेशान करने लगे। इस प्रकार की जो बातें उसके मन मानने लगी, दिमाग मानने लगी और वो भयभीत हो गया और उसने चुरा के घड़ी को दोबारा ऑफिसर की ऑफिसर के केबिन में रख दी, उसके टेबल पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड शंकु'स वाइफ आस्क हिम टू ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट। शंकु की वाइफ ने, शंकु की पत्नी ने शंकु से बाजार से क्या लाने को कहा, क्या क्या बाजार से लाना है देखेंगे। शंकु'स वाइफ आस्क टू ब्रिंग ऑइंटमेंट एंड टू राइट बनारस फ्रॉम द मार्केट। शंकु की पत्नी ने शंकु से कहा कि एक तो बाम लेके आना और दो पके हुए केले, दो पके हुए केले और एक मरहम लाने के लिए शंकु से बोला कि बाजार से दो पके हुए केले और एक बाम जिसे हम मरहम बोलते हैं वो लाने को कहा।